हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे न्यू जेन सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, तो चलिए डिटेल में कवर करते हैं हमारे पास कंपनी के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं कैसे रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर, डिटेल में कवर करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो 18,500 लाख का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमारे पास है 15,000 लाख का। लास्ट ईयर था 15,500 लाख। तो यहाँ पे कंपनी का आपके पास जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर बेसिस पे भी। बात करते हैं टोटल इनकम की, तो 19,000 लाख की टोटल इनकम है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 17,000 लाख की थी, लास्ट ईयर थी 15,000 लाख। तो हमारे पास कंपनी की टोटल इनकम भी इंक्रीज़ हुई है, चाहे क्वार्टर बेसिस की बात करें या फिर ईयर बेसिस की बात करें। देन टोटल एक्सपेंसिस 14,300 लाख के हैं, लास्ट क्वार्टर में 14,000 के थे, लास्ट ईयर थे 11,000 लाख। तो हमारे पास कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गए हैं तो कंपनी के एक्सपेंस भी इंक्रीज़ होंगे। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कंपनी का प्रॉफिट है 4,800 लाख का, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 2,800 लाख, लास्ट ईयर था 3,800 लाख। तो यहाँ पर कंपनी का हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर कंपनी के मेन प्रॉफिट की, मतलब सभी टैक्सेस निकाल के जो मेन प्रॉफिट है वह 3,700 लाख का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2,000 लाख का था, लास्ट ईयर 2,900 लाख। तो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सीधी डायरेक्ट कंपनी की अर्निंग पर शेयर, तो 5 रुपीज़ कंपनी की अर्निंग है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3 रुपीज़ थी, उससे पहले थी 4 रुपी। तो यहाँ पे कंपनी की हमारे पास अर्निंग भी इंक्रीज़ हुई है। दैन उसके बाद चलते हैं यहाँ पे कंपनी के जो हमारे पास स्टैंड लोन के रिजल्ट है उसकी ओर। तो यहाँ पे भी सेम, कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है और कंपनी की टोटल इनकम भी आपके पास इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद डायरेक्ट सीधा बात करेंगे कंपनी के मेन प्रॉफिट की, तो यहाँ पे भी 3,400 लाख का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 19,000 लाख का था, लास्ट ईयर था 2,700 लाख। तो यहाँ पे भी कंपनी के हमारे पास नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। देन अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी की अर्निंग इंक्रीज़ हुई है, अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज़ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2 रुपीज़ 80 पैसे थी, लास्ट ईयर थी 3 रुपीज़ 98 पैसे। तो यहाँ पे भी कंपनी की अर्निंग पर शेयर हमारे पास इंक्रीज़ हुए हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ कंपनी ने अनाउंस किया, चाहे आप कंसोलिडेटेड की बात करें या फिर स्टैंड लोन की बात करें। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा शेयर है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। बाकी दोस्तों आपको रिजल्ट्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।